Hello, super moms. This is Madiha, host of your YouTube channel, Curious Little Minds. I hope you enjoyed the first part of this video. This is the second part of the same video. जो मुश्किलात हमें पहले हफ्ते में आती हैं वो दूध का थोड़ा होना है जिसको हम समझते हैं कि एक मुश्किल है माँ को तकलीफ होना निप्पल वाली जगह पे दर्द होना उसकी सोरनेस बच्चे को फीड सही से नहीं आ रही बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है बच्चा बार बार मांग रहा है बार बार सो रहा है ये सब कुछ इसलिए होता है कि हर चीज़ बच्चे के लिए भी नहीं होती है और माँ के लिए भी नहीं होती है इसमें जिस चीज़ के ऊपर हमें जोर देना है वो ये है कि शुरू में दूध कम होगा तो हमें माँ को बताना है कि आपका दूध अभी कम है लेकिन बच्चे में पानी ज़्यादा है आप हर थोड़ी देर बाद जब भी बच्चा जागे तो आप उसको अपने ऊपर फीड कराएं अब फीड कराने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो फीडिंग टेक्निक है ये फीडिंग टेक्निक इंतहाई अहम चीज़ है अब दूध भी बना हुआ हो लेकिन फीडिंग टेक्निक का अंदाज़ा ना हो तो सारा प्रोसेस बेकार हो जाता है फीडिंग टेक्निक के लिए आप लोग मुख्तलिफ वीडियोस भी देख सकते हैं लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं और बहुत सिंपल सी बात यह है कि खाली निप्पल को अगर बच्चा शकल करता रहे तो फिर निप्पल की स्किन इंजर हो जाती है जिसकी वजह से माँ को तकलीफ होती है और निप्पल सिर्फ एक रास्ता है वहाँ से दूध सिर्फ गुजर के आता है और दूध जो है वो अल्लाह ताला ने जिल्द के नीचे छोटी छोटी सैक्स में रखा होता है तो सही टेक्निक ये होती है कि जब आप बच्चे को अपने साथ टच करते हैं तो बच्चा अपना थोड़ा सा मुँह खोलता है इसको हम रूटिंग कहते हैं रूटिंग का मकसद ये होता है कि बच्चा दूध की चीज़ को अपने करीब करें आप उसके करीब करें वो उसको पकड़ेगा इसको लैच ऑन करते हैं लेकिन अगर लैच ऑन में बच्चे ने सिर्फ निप्पल को पकड़ लिया तो उसकी फीडिंग ठीक नहीं होगी और माँ की तकलीफ में भी इजाफा होगा तो सबसे बेस्ट ये है कि जब वो लैच ऑन करे तो उसके होंठ जिल्द के ऊपर बैठने चाहिए जब जिल्द पे बैठेंगे तो फिर दूध आराम से बाहर निकलेगा आप कोशिश ये करें कि हर फीडिंग सेशन के अंदर बच्चे को दोनों तरफ से दूध पिलाएं अमूमन बच्चे जल्दी सो जाते हैं शुरू में लेकिन आप घबराएं नहीं आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दूध उनको पिलाते रहें और जब दूसरी दफ़ा आप दूध पिलाने लगें तो जो सेकंड ब्रेस्ट है उसको पहले ऑफर करें क्योंकि उसमें से बच्चे ने कम दूध पिया होता है एक सेशन में जब आप पहले शुरू करें तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराएं ताकि वो खाली हो जब वो खाली होगी तो दूध ज़्यादा बनेगा और नेक्स्ट टाइम ज़्यादा फिलिंग होगी एक चीज़ जहन में रखिए हमारा आम तासुर यह है कि अच्छा बेटा रो पड़ा है तो उसका पेट नहीं भरा है तो उसको बोतल से दूध दे दें जब भी आप बोतल ऑफर करेंगे तो बच्चा माँ के निप्पल को कम शकल करेगा और बोतल को ज़्यादा शकल करेगा उसका नुकसान यह होगा कि बच्चा निप्पल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा और जब निप्पल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि बच्चा बोतल के निप्पल पे शिफ्ट हो जाता है और फिर माँ को एक्सेप्ट नहीं करता और माँ की परेशानी में भी इजाफा होता है पहले हफ्ते की कम सप्लाई के बाद और निप्पल की इस तकलीफ के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है कि सम टाइम्स निप्पल ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है अगर निप्पल ज़्यादा ज़ख्मी हो जाए तो आप उसके मैनुअली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पम्प्स भी मिलते हैं मैनुअल पम्प्स भी मिलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पम्प्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं लेकिन उनकी सफाई का ख्याल उनके मैनुअल के मुताबिक रखा जाए आप उसको एक्सप्रेस करें और एक्सप्रेस करके बच्चे को वो दूध दें लेकिन अगेन यहाँ पे उतने अरसे तक दें जितने अरसे में निप्पल कुछ दिनों में बेहतर हो जाए इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं और बच्चों के डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं लेकिन इस दौरान जब आपने दूध देना है तो फिर अगेन ये चीज़ का ख्याल रखें कि आप बॉटल वाले निप्पल से ना दें कोई ड्रॉपर्स या और चीज़ें जो स्टेराइल हों आप उनके ज़रिए बच्चे की फीड को पूरा करने की कोशिश करें ताकि बच्चा अगेन निप्पल कन्फ्यूजन का शिकार ना हो अगर एक साइड इंजर्ड है तो आप दूसरी साइड से उस दौरान फीडिंग को जारी रखें एक और एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा है माओं के जहन में कि वो ज़्यादातर मदर्स आर वर्किंग मदर्स तो उन्होंने 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपनी जॉब को ज्वाइन करना होता है इस एप्रीहेंशन में वो पहले हफ्ते से ही बच्चे को एक एक या दो दो दफ़ा दिन में दूध की बोतल देना चाहती हैं इसलिए कि भैया उनको चेंजिंग ओवर में शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ना हो कि कल को वो जब अपने काम पर जाएंगी तो फिर वो कैसे बच्चे को मैनेज करेंगे देखें इसको मैं कहता हूँ कि हमें बहुत एप्रीहेंसिव नहीं होना चाहिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक वो वक्त आए ना हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए लेकिन इस स्टेज के ऊपर जब हम उन्हें एक बोतल शुरू करते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं आपका जो अपना दूध है वो आपके खून से बनता है वो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसके तहत वो बनता है और उसमें जरासीम नहीं होते लेकिन ये जो डब्बे का दूध हम लेते हैं डब्बे का दूध 100% स्टेराइल नहीं है हाँ उसके अंदर भी जरासीम होते हैं गो के वो बहुत ही कम तादाद में होते हैं लेकिन उसके ख़राब हो जाने का अंदेशा है नंबर दो आप पानी इस्तेमाल करते हैं आप दुनिया का बेहतरीन पानी भी ले लेंगे तो वो बाहर से आएगा जबकि आपके अंदर का पानी जो है वो आपके खून से बनता है तो जो आप बाहर वाला पानी लेंगे और उसमें उस दूध को बनाएंगे फिर बोतल को यूज़ करेंगे
तो वो डब्बा आपका बहुत अरसा चलेगा, जिसकी वजह से उसमें कंटेमिनेशन हो जाएगी हवा का बार बार लगने की वजह से। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए कि हमने अक्सर एक महीने के बच्चे को भी खून आलूदा पोटियाँ करते हुए देखा है और मजबूरन हमें उनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी सिर्फ इस वजह से कि वो सिर्फ एक फीड हर दूसरे या तीसरे दिन ले रहे थे। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना है कि ये जो एक फीड है शायद हमें हेल्पफुल ना हो बल्कि हमें नुकसान ज़्यादा पहुँचा दें। दूसरी अहम चीज़ ये है कि माँ के दूध में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने उसी माँ के अंदर से जो बेबी बना हुआ है उसी के खून से उसी के लिए बनाई हुई हैं। ये जो हम ज़्यादातर दूध के डब्बे इस्तेमाल करते हैं ये ह्यूमनाइज्ड काउ मिल्क्स हैं। इनकी प्रोटीन का भी फ़र्क होता है, प्रोटीन के तनासब का भी फ़र्क होता है, मकदार का भी फ़र्क होता है। इनके अंदर जो फैट्स डाली जाती हैं उनमें भी प्लांट बेस्ड फैट्स होती हैं और एनिमल बेस्ड फैट्स होती हैं। ऑल्दो के ये काफ़ी हद तक बच्चे की ज़रूरियात को पूरी करती हैं, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि ये उसके लिए आइडियल ग़िज़ा नहीं है। इसमें बेशुमार वो चीज़ें नहीं हैं जो अल्लाह ताला ने उस तनासुब से डाली हुई हैं जो इंसानी बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमें माँ को क्या मसाइल पेश आते हैं शुरू शुरू में, और मसाइल के अंदर उस दूध वाली जगह का फूल जाना, सूज जाना, दुखना, बुखार होना, खुदा न खास्ता ऐसे मसले हो तो आप फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें और हमेशा कोशिश करें कि उनसे शुरू वाले दिनों में हर दूसरे दिन और फिर तीसरे या चौथे दिन रबते में रहें, जाके भी दिखाएं, फ़ोन पे भी रबते में रहें, क्योंकि ये वो सबसे अहम पीरियड है जिसमें मुश्किलात और मसाइल सबसे ज़्यादा होती हैं, और वक्ती सपोर्ट जब आपको मिलती है तो आप उस मुश्किल वक्त को जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। और उसके बाद ज़्यादातर यही देखा है कि पहले एक दो हफ्ते के बाद हर चीज़ बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जो आपको मसाइल आ सकते हैं, कुछ बच्चों में जॉइंडिस हो जाता है शुरू में। अब जॉइंडिस फितरी है, 50-60% बच्चों में खून के खुलिए सब में ज़्यादा होते हैं, 50-60% में वो इतने टूटते हैं कि वो वक्ती तौर पे येलो हो जाते हैं। इसके और भी वजूहात हैं लेकिन आप इसके लिए अपने डॉक्टर से रजू करें, वो आपको गाइड करेगा। एक किस्म ऐसी होती है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग का भी एक वजह शामिल है, लेकिन यूजुअली हर बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग में है उतनी शिद्दत का जॉइंडिस नहीं होता। इसके लिए आपका डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। सुनी सुनाई बातों पे यकीन न कीजिएगा कि भी ये आप छोड़ दें तो डब्बे के दूध पे चले जाएं, कतन इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इससे एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, हमें इससे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम एक ऐसी ग़िज़ा बच्चे को दे रहे हैं जो बच्चे के लिए बनी हुई है और उसमें बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ाइत है, जो ना सिर्फ उसकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए अहम है बल्कि उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए उससे भी ज़्यादा अहम है। इस चीज़ को मत भूलिए कि ये स्टडीज़ मौजूद हैं कि जो बच्चे माँ के दूध पे पले होते हैं उनके अंदर बेशुमार बीमारियों का तनासुब बहुत कम देखा गया है। ये भी एक स्लाइड हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं, बीमारियां ऐसी हैं जिसमें माँ के दूध की वजह से सेफ्टी और प्रोटेक्शन का फैक्टर है।